देव जी आप क्यों आए? मैं खुद से आ जाती, आपको चोट लगी है। क्या फर्क पड़ता है दीदी, तुम मेरी फिक्र कर। देव जी आप ये क्या कह रहे, मुझे आपकी फिक्र नहीं। अगर होती है दीदी, पहली बात तो तुम मम्मा के पास जाती नहीं, और अगर जाती भी तो मुझे बिना बताए नहीं जाती। पागल है वो, लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला था तो उसने बंदूक निकाली थी, अभी भी बंदूक निकाली। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दीदी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ। लापरवाही तुम कैसे कर सकती हो दीदी? और अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, तुम्हारे अंदर एक बच्चा पल रहा है, एक जान पल रही है, वो हम दोनों का बच्चा है। तुम्हें अपने साथ उसका भी ख्याल रखना है। You can't do this. I'm sorry. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं, जब भी आपको तकलीफ में देखती हूँ ना, मेरा खुद पे आपा ही नहीं रहता। पर अगली बार से मैं पक्का ख्याल रखूंगी, खुद का भी और हमारे बेबी का भी। भोली भाली शक्ल लेकर बेवकूफ बनाता है लोगों को वो। अरे तुम्हें भी अपनी जान में फंसा लिया है उसने। दिखने में सीधा साधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन उसके अंदर के शैतान को मैं जानता हूं। भोली भाली विधि को बेवकूफ बना रहा है, अपने इशारों पे नचा रहा है वो, समझी? और उस विधि के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। हाँ बोल रहे ना, तो मैं एक सेकंड के लिए मान लेती हूँ कि आप सही है, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी, भले ही आपसे कम। मुझे नहीं लगता उनके अंदर इतनी बुराई है जितनी आप सोच रहे हैं। वो गलत नहीं है। You know what? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, गलत इंसान को टारगेट कर रहा हूं मैं। इस देव का पीछा मुझे छोड़ देना चाहिए अब। भैया। Yes, ma'am. दो कप चाय मिलेगी? क्या करी विधि? वो मैं सोच रही थी कि स्ट्रेस और दर्द में ना गर्मा गर्म चाय पीना अच्छा होता है। आप बैठिए ना प्लीज। भैया एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं चाय बनाती हूँ, आ जाइए। ठीक है मैम। टंटना, चीयर्स। चाय में तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता। थैंक यू देव जी, आप बिस्किट्स लेंगे? ओके। देव जी मान जाइए ना। अच्छा ये लीजिए, चलिए मैंने कान पकड़ लिया, आई एम सॉरी। थैंक यू। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत पर।